सबसे पहले आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। कुछ समझ आया? नहीं। अब जैसे जैसे हम बताते जाएं, ठीक वैसे वैसे आप इन तस्वीरों पर फोकस करिएगा। सीसीटीवी में दिख रहा है कि लोग सड़क पर रोजमर्रा की तरह अपने कामकाज के लिए आ जा रहे हैं, तभी बाइक और स्कूटी रोककर दो लोग आगे की तरफ देख रहे हैं। साइकिल वाला भी अपनी साइकिल तो चला रहा है, लेकिन उसकी नजरें पीछे ही हैं। अब राइफल लेकर जा रहे इस शख्स को देखिए, जो हाथ में राइफल लेकर तेजी से चला जा रहा है। तभी अचानक कुछ लोग भागते हुए आ रहे हैं और राइफल थामे शख्स पर पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन तभी शख्स ने राइफल से फायरिंग कर दी, जो कि एक शख्स के पैर में जा लगी। उसके बाद वो लंगड़ाते हुए वहां से भाग निकला और उसके साथी भी इधर उधर भाग खड़े हुए। सरेआम फायरिंग और पत्थरबाजी की ये तस्वीर संगम नगरी प्रयागराज की है, जहां गंगानगर के झूसी इलाके में छतनाग रोड पर पान खाकर थूकने को लेकर कुछ लोगों में विवाद हो गया। कहासुनी से शुरू हुए विवाद में आरोप है कि एक शख्स ने फायरिंग कर दी। पथराव और फायरिंग में तीन लोगों को चोट भी आई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश में लगी है। वहीं संगम नगरी में फायरिंग और पथराव की वारदात ने विपक्ष को बैठे बिठाए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का एक और मौका दे दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।